गाइस, अगर आप चाहते हैं मेरा वीडियो सबसे पहले, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद फैजान अहमद। टुडेज टॉपिक इज यूलर्स टोटेंट फंक्शन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना होने पाए। तो चलिए यूलर्स टोटेंट फंक्शन देखते हैं। यूलर्स टोटेंट फंक्शन रिटन एज फाई एन। अब ये जो एन है, ये क्या है? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर 2, 4, 6, 5, 9, 12, 13, 14, 20 एक्सेट्रा। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एंड रिलेटिवली प्राइम टू एन। ये क्या है? फाई एन की वैल्यू कितनी होगी? पॉजिटिव इंटीजर होंगे, लेस देन एन से छोटे होंगे और रिलेटिवली प्राइम टू एन, और एन के को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज फाई ऑफ 9 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स को लिस्ट में रख लेना है, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि लेस देन एन होता है। हमारे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जब हम उनको नोट डाउन करते हैं तो लेस देन एन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद हमें क्या करना है? जो भी रिलेटिवली प्राइम होंगे 9 के, हमें उनको कैंसिल आउट कर देना है। तो रिलेटिवली प्राइम कौन कौन से नंबर होंगे, आप देखिए यहाँ पर 3 होगा, इसी तरह से 6 होगा। ठीक है, तो ये दो नंबर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 1, 2, 4, 5, 7, 8। तो फाई ऑफ एन की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। ठीक है, तो ये है यूलर्स टोटेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सबसे पहले आपको 1 से लेके एन माइनस 1 तक के नंबर लिख लेने, एंड देन उसमें से जो रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे उनको हमें क्रॉस कर देना है, और बाकी बचे हुए नंबर को हम नोट कर लेंगे, तो हमारे पास फाई एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें अगर नंबर जो है, मीन्स यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो प्राइम हो, तो उसके लिए क्या करना है? फॉर अ प्राइम नंबर पी, फाई ऑफ पी कितना हो जाएगा? पी माइनस 1। कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसका यूलर्स टोटेंट फंक्शन कितना होगा? पी माइनस 1। ठीक है, टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू, और एन इक्वल टू पी क्यू। अगर दो प्राइम नंबर हैं, पी प्राइम नंबर है, क्यू प्राइम नंबर है, और उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो एन है। ठीक है, तो फाई ऑफ एन कितना हो जाएगा? फाई ऑफ पी क्यू इक्वल टू फाई पी इंटू फाई क्यू इक्वल टू पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको एक एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट पी इक्वल टू 3 एंड क्यू इक्वल टू 7। तो 3 इंटू 7 करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 21। पी क्यू कितना हो गया? 21। और ये जो पी क्यू है, ये किसके इक्वल होगा? एन के। ठीक है, नाउ फाई ऑफ एन कैलकुलेट करना है। फाई ऑफ 21 को हम इस तरह से लिखेंगे, 5, 3 इंटू 5, 7 इक्वल टू 3 माइनस 1 इंटू 7 माइनस 1। तो 3 माइनस 1 मतलब 2 हो गया, और 7 माइनस 1 मतलब 6 हो गया। तो 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। ठीक है, सो यूलर्स टोटेंट फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 12। 12 मीन्स 12 इंटीजर्स, और ये इंटीजर्स कौन से होंगे? जो 21 के रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो कौन कौन से इंटीजर्स होंगे? 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19 एंड 20। ये जितने भी इंटीजर्स यहाँ पे नोट डाउन है, ये 21 के रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, सो गाइज, ये था यूलर्स टोटेंट फंक्शन। ये एक्चुअली आरएसए एल्गोरिथम में यूज़ होगा, लेकिन वो वीडियो लेंथी ना होने पाए, इसके लिए मैंने इसको एक अलग वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दिया है। होप यू एंजॉय द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आरएसए वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, इसके लिए बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।